एंड वेलकम बैक टू अज़रा खान फिटनेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी वेट लॉस मिस्टेक्स, पांच वेट लॉस मिस्टेक्स जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में की, सो दैट आप अगर अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो ये मिस्टेक्स ना दोहराएं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आई गारंटी यू इनमें से दो तीन मिस्टेक्स आप अभी कर रहे हैं, इसलिए आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप इनमें से कौन सी मिस्टेक्स कर रहे थे, आपको ये वीडियो कैसे हेल्प किया इन योर वेट लॉस जर्नी। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट। इन 2015 आई वाज ट्राइंग टू लूज वेट एंड आई वाज समवेयर अराउंड 78 केजीज और मैंने उसके पहले भी बहुत बार अपना वेट कम करने की कोशिश की है पर मुझे हमेशा रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलते थे। और जब मैंने 2015 में भी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की तो इनमें से कुछ गलतियां मैं करती थी जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो जाती थी क्योंकि जितनी मैं मेहनत कर रही थी उस हिसाब से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। ऐसे तो हम सबको लगता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस हिसाब के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आप मेरे क्लाइंट्स की बात करें तो कुछ को ऐसा लगता है उनका वजन रोज वेइंग स्केल पे कम होना चाहिए बट ऑफकोर्स दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। इस तरीके से आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप हर चीज अगर डाइट प्रॉपर रोज कर रहे हैं तो आपका रोज वजन कम हो देन दिस इज योर मिस्टेक नंबर वन आई मस्ट से। अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी में हैं, आप लोग अपना एक स्पेसिफिक ईटिंग पैटर्न फॉलो करेंगे, एक स्पेसिफिक वर्कआउट रूटीन फॉलो करेंगे, रोज सुबह उठ के वेइंग स्केल पे खड़े हो जाएंगे। वेइंग स्केल पे खड़े होने के बाद फिर आप उतरेंगे और उदास हो जाएंगे एंड मे बी उसके अगले दो दिन तक आप अपना डाइट ही ना करें बिकॉज आपको ये लगेगा कि आपने पूरे दिन इतने अच्छे से अपना डाइट फॉलो किया है, वर्कआउट भी किया है, तब भी आपका वेइंग स्केल पे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। वेल गाइज, आप ये मान के चलिए अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं कि आप 3-4 दिन लगातार अपना डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे तब जाके शायद 200 या 400 या 500 ग्राम फैट आपकी बॉडी से कम होगा। इनिशियल जो वेट लॉस होता है जब भी हम कभी किसी वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ इट इज वाटर वेट तो वो जल्दी कम हो जाता है पर उसके बाद एक स्टेज आती है जब आप 100-100 ग्राम कम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बट ट्रस्ट मी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आप अपना डाइट सही रख रहे हैं अगर और अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रख रहे हैं तो आप हर चीज सही कर रहे हैं, बस आप उसको करते रहिए। बीच में डीमोटिवेट नहीं होना है कि ओ माय गॉड वेट हर रोज क्यों नहीं गिर रहा है बिकॉज हर रोज आपका वेट ना बढ़ा था ना हर रोज आपका वेट गिरेगा। इनफैक्ट वेट गेन इजिली हो जाता है बट उससे डबल मेहनत लगती है आपको वेट लूज करने में। सो अगर आपने 10 किलो वजन बढ़ाया है 3 महीने में तो आप कम से कम 6 महीने का टारगेट लेके चलिए कि आपको अपना वेट तब उस ड्यूरेशन में 10 kg लूज करना है। मैं क्या सोचती थी जब भी मैं अपना डाइट करती थी एक एक दिन मुझे बहुत भारी लगता था फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज कभी मैंने इतनी अच्छी हेल्दी डाइट की नहीं थी। आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज ईटिंग ऑल काइंड ऑफ जंक तो मुझे लगता था हर रोज वजन कम होना चाहिए और जिसकी वजह से ये ओवर एक्सपेक्टेशन जो मैं अपने आप से रखती थी उसकी वजह से मेरा वेट लॉस तो होता नहीं था। मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, मैं स्ट्रेस लेने लगती थी और उसके बाद अगले दिन या अगले के अगले दिन मैं अपना डाइट गिव अप कर देती थी एंड अगेन आई यूज टू गो बैक टू माई नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स और मेरा वेट ऑल द मोर बढ़ जाता था। तो ये मिस्टेक अगर आप करें तो ना करें, डोंट ओवर एक्सपेक्ट। दूसरी मिस्टेक इसी से रिलेटेड है। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी तो मैं इनिशियल पीरियड में सिर्फ और सिर्फ वजन देख के वेइंग मशीन पे अपना प्रोग्रेस डिटरमाइन करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वेइंग स्केल पे अगर वजन कम दिखा रहा है दैट मींस मैं एक राइट डायरेक्शन में हूँ, बढ़ रहा है इसका मतलब मैं कुछ गलती कर रही हूँ। पर यहाँ पे आपको मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। अपने वेट लॉस की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए आप कम से कम 2 या 3 चीजें रखें जिससे आप मॉनिटर या मेजर कर सकते हैं। वेट फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा इजी है। अगर किसी दिन आपने ज्यादा पानी भी पी लिया तो अगले दिन आपका वजन ज्यादा बढ़ के आएगा 200 से 300 ग्राम। तो आपको 3 चीजों से अपना वेट लॉस प्रोग्रेस ट्रैक करना है। फर्स्ट इज वेट ऑफ कोर्स बट डोंट गेट ऑब्सेसिव ओवर योर वेइंग स्केल। द नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट्स। हर हफ्ते या हर 10 दिन पे अपनी बॉडी के मेजरमेंट्स लीजिए और वहां से आपको एक्यूरेटली पता चलेगा कि आपका फैट लॉस हो रहा है कि नहीं बिकॉज इंचेस जब कम होंगे तो एक्चुअली आपका फैट लॉस हो रहा है। जब वेट वेइंग स्केल पे गिरेगा दैट बी वाटर वेट ऑल्सो कैन कम्प्राइज बट इंच लॉस अगर हो रहा है दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थर्ड थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज टेक प्रोग्रेस फोटोज। खड़े होइए और सामने से किसी से बोलिए अपनी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक फोटो क्लिक करें एंड एवरी वीक जब आप अपनी फोटोज क्लिक करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेस कैसा है आफ्टर लुकिंग एट प्रोग्रेस फोटोज। टाइटेस्ट क्लोथ्स व्हेन यू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी और धीरे धीरे जब अपनी वेट लॉस जर्नी पे प्रोग्रेस करेंगे तो उसी आउटफिट में आप अपनी पिक्चर्स जब क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि यहां से पहले बल्जेस दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे हैं, अब ड्रेस इतना लूज हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू इन मेजरिंग योर वेट लॉस प्रोग्रेस।
मैंने क्या गलती की थी कि कुछ टाइम तक सिर्फ वेट को ही मैं अपना प्रोग्रेस मान के चलती थी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा जब वेट कम नहीं होता था मुझे लगता था कि आई एम नॉट डूइंग इनफ और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी। सो ऑफकोर्स मल्टीपल सोर्सेज आपके मेजरमेंट के होंगे तो आपके लिए आगे चल के आसानी होगी एंड यू आर गोइंग टू सी रिजल्ट डेफिनेटली। मिस्टेक नंबर 3 जो मैं करती थी वो ये था कि मुझे तो लगता था कि मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ और इतना कम खा रही हूँ, बट मैं अपनी कैलोरीज को ओवर एस्टिमेट कर लेती थी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतना हेल्दी खाना जब खा रहे होते हैं तो हमको लगता है कि अब इससे ज्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आई एम ईटिंग हेल्दी, आई एम ईटिंग घर का बना हुआ खाना, तो मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। बट आपको कैलरी कैलकुलेशन यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यकीन करिए इतना इजी है कैलरीज को ओवर एस्टिमेट कर लेना, जिसकी वजह से आपका पूरा वेट लॉस प्रोग्रेस हॉल्ट पे आ सकता है। अगर आप कैलरी डेफिसिट पे नहीं है तो डेफिनेटली आपका वेट लूज नहीं होगा। आई यूज्ड टू लुक एट माई प्लेट और मुझे लगता था कि ये बहुत कम खा रही हूं मैं, तो इसका मतलब अराउंड 200-300 कैलरीज होंगी। बट अब मुझे पता है प्लेन ओट्स का चीला अगर मैं बनाती हूँ इट हैज 230 कैलोरी। मैंने रियलाइज किया कि कैलोरी कैलकुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है इन इनिशियल डे स्पेशली, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। और मैंने जोड़ना शुरू किया तो मैं अराउंड 1500 कैलोरीज खा रही थी, वो तो मैं वर्कआउट करी थी इसलिए मेरा वेट एकदम मेंटेन था। बट अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रही होती तो हेल्दी खाना खाने के बावजूद मेरा वेट बढ़ गया होता। उनमें से जो ये सोचते हैं कि हर चीज कर ली, खा भी अच्छे से रहे, हेल्दी खाना खा रहे, फिर भी वेट क्यों बढ़ रहा है, स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर कैलोरीज। आई गारंटी हूं आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलती की है। आपको लग रहा है ये प्लेट में सिर्फ 200 कैलोरीज है बट क्या पता उसमें 500 कैलोरीज हो। कैलोरी कैलकुलेशन इज अ मिस्टेक विच आई डिड वॉज, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते, ठीक है, और मैं 5-5 घंटे वर्कआउट करती थी तो इनिशियली तो मेरा वेट बहुत ज्यादा जल्दी लूज हुआ। सुबह 2-2.5 घंटा वर्कआउट करती थी मैं, शाम को 2-2.5 घंटा वर्कआउट करती थी, बट एक पॉइंट ऐसा आया जब मैं हर चीज एज इट इज कर रही थी, मैं डाइट भी कर रही थी, मैं इतना ज्यादा वर्कआउट भी कर रही थी, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। दैट वॉज माई वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई एंटायर मिस्टेक्स का लिस्ट, बिकॉज ओवर एक्सरसाइजिंग इज रियली बैड फॉर योर बॉडी, फॉर योर एंटायर मसल, मसल सोनस हो जाता है, जिसकी वजह से एज इट इज वेट थोड़ा बढ़ा हुआ हमारी वेइंग स्केल पे तो आता ही है, उसके साथ साथ हमारा बॉडी बहुत ज्यादा जल्दी वेट लॉस प्लेटू में चला जाता है और उससे ओवरकम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओवर एक्सरसाइजिंग के साथ साथ मैं कार्डियो पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस डालती थी। मैं 3.5-4 घंटे अगर वर्कआउट कर रही हूँ तो मैक्सिमम कार्डियो ही करती थी, उसके अलावा सिर्फ थोड़ी बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइजेस मैं कर लेती थी। पिलाटीज आई यूज टू डू बैक इन द डे। तो इसमें क्या मिस्टेक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कार्डियो अगर करेंगे तो जितना ज्यादा आप कार्डियो बढ़ाते जाएंगे आपकी बॉडी को उतनी ज्यादा हैबिट पड़ती जाएगी उतने कार्डियो की। जब आप उतना कार्डियो अपनी बॉडी को नहीं देंगे एक पॉइंट आएगा कि अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं डाइट भी कर रहे हैं तो भी आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज इनिशियल डेज में तो हम लोग बहुत ज्यादा पम्प्ड रहते हैं ना कि 4 घंटे भी वर्कआउट कर लेंगे, बट जिंदगी भर कितना प्रैक्टिकल है उसको कि 5 घंटे आप सारा काम छोड़ के सिर्फ वर्कआउट करें, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। 30-35 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स दीजिए अपनी बॉडी को इन द एंटायर डे, इवन इन योर वेट लॉस जर्नी। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर वर्कआउट पार्ट। उसके अलावा अगर आप बाकी के 23 घंटों में अपना डाइट सही रखेंगे आपका वेट लॉस होगा। तो जब मैंने ये गलती की ओवर एक्सरसाइजिंग की, मेरा मसल सोनेस उसके साथ साथ मेरा वेट लॉस प्लेटू हिट हो गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। 15-18 किलो वजन कम करने में शायद 3-4 महीने लगे और लास्ट का जो वेट था जो मैंने लास्ट के 5-6 किलो कम करने में मुझे 8 महीने लग गए, डबल द टाइम इतना कम वजन कम करने में भी, जस्ट बिकॉज मैं हर चीज ओवर कर रही थी। दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये मेरे केस में जरूर सामने आया मेरी आंखों के कि ओवर एक्सरसाइजिंग इज बैड। उसी के साथ साथ कुछ लोग ये मिस्टेक भी करते होंगे कि उन्होंने डाइट सब अपना सही रखा है तो वो एक्सरसाइज नहीं करते। वेल, जहां ओवर एक्सरसाइजिंग बुरी है वहां अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो भी बुरा है इन योर हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन। अगर आप वेट लॉस सिर्फ वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका वेट वापस बढ़ जाएगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ सीख रहे हैं, अपनी नई लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने वेट को इजिली मेंटेन कर लिया। इज नो सब्सटीट्यूट फॉर वर्किंग आउट। आप चाहे जितना अच्छा डाइट कर ले आपका वेट तो लूज हो जाएगा बट ओवरऑल फिटनेस, यू सी आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त हाफ तो नहीं रहे, थोड़े दूर तक अगर भागना पड़ रहा है तो आप ब्रेथलेस हो रहे, दैट मीन्स यू आर अनफिट। वेट लॉस तो हो गया पर आप फिट नहीं है, तो फिटनेस के लिए वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने वेट लॉस जर्नी में मे बी 20 kgs या 15 kgs वेट लूज कर चुके हैं तो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। इनिशियल डेज में वेट ट्रेनिंग मत करिए, बट अगर आप अपने आइडियल वेट के थोड़ा आसपास आ गए हैं, 5-6 किलो कम है
तो आप वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। वेट ट्रेनिंग से आपका वेट लॉस प्लेटू भी ब्रेक होगा, आपकी बॉडी टोन होगी, आपकी बॉडी में मसल्स बिल्ड होंगे, जिसकी वजह से आप और ज्यादा लीन और स्ट्रांग दिखेंगे। स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, एक्सटर्नल मसल्स बिल्ड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी मिस्टेक नंबर 4 मेरी टॉप मोस्ट मिस्टेक थी, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस प्लेटू हट ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से गया। एंड इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया ऑन हाउ टू ब्रेक योर वेट लॉस प्लेटू, तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं वेट लॉस जर्नी के उस स्टेज पे हैं जहां वेट लॉस प्लेटू हिट कर चुके हैं, चेक दैट वीडियो आउट, लिंक हियर। द लास्ट एंड द फाइनल मिस्टेक वॉज दैट मैंने इतना प्रोटीन इनटेक पे एम्फोसिस नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या होता था, मैं कार्ब्स कंज्यूम करती थी, हेल्दी कार्ब्स ऑफकोर्स, और मैं अपनी कैलोरी डेफिसिट में भी रहती थी। बट मेरे साथ दिक्कत क्या थी, बिकॉज मैं इतना प्रोटीन नहीं इनटेक करती थी, मुझे नहीं पता था कि प्रोटीन कितना बेनिफिशियल है हमारी डाइट के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दी भूख लग जाती थी। कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जल्दी भूख लग जाती है, प्रोटीन्स लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं और धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें भूख लगती है, एकदम से हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती। तो अगर हम अपने डाइट में हाई प्रोटीन फूड्स को रखेंगे तो हम लोग बहुत लंबे समय तक सेशिएटेड रहेंगे, हमें हंगर क्रेविंग्स नहीं होगा। अगर हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो हम लोगों को कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से भूख लगती है। तो दिस इज वन प्रो टिप, अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाइए, स्पेशली एट नाइट कार्ब्स मत खाइए और प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, एंड यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग चेंजेस इन योर वेट लॉस जर्नी। अगर आप ये गलती अब तक कर रहे हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी डाइट के लिए। आप चाहें तो प्रोटीन शेक्स भी ले सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन। इस वर द 5 मिस्टेक्स, आई थिंक और भी बहुत सारी होंगी, अगर लिस्ट बनाने लगे तो पता नहीं कितनी लंबी बन जाएगी, बट दीज वर द क्रूशल मिस्टेक्स जो मैं करती थी इनिशियली, और धीरे धीरे करके मुझे पता चला व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, स्टार्टेड माय कोर्स एंड एवरीथिंग। और अब मैं अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से मील प्लान देती हूँ जिसमें आई ट्राई कि वो ये गलतियां ना करें। हाँ, अगर मुझसे छुप के वो कुछ कर लेते हैं अपना दिमाग लगा के, तो डेफिनेटली दे कम बैक टू मी एंड से कि आपने ये बोला था पर मैंने ये कर दिया। दैट इज वाई थोड़ा सा हो जाता है उनसे मिस्टेक्स, बट इट्स ओके, आप गलतियां करते हैं तभी आप सीखते हैं। तो ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो मत करिए, कमेंट्स में बताइए आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे थे अब तक। अगर कर रहे थे तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम वेयर आई अपलोड माय क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके साथ साथ मैं डेली स्टोरीज डालती रहती हूँ फॉर यू गाइज टू गेट मोटिवेटेड इन योर हेल्थ जर्नी। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। गुड बाय।